ਦੀ ਬੁੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਨੇ ਬੋਹੇ ਭੰਨ ਲੈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਚ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਲਕੀ ਬੁੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी धुप तो हुण अहीं जो निकलदी है बस चानण जिही होया है कोई सेक तो है नहीं तो जो हवा जी आउंदी है ना रसोई च फिर धुआं ही धुआं हो जांदा है नहीं तो सारा दिन रसोई च हुण अग सवेर तो शाम तक बली हो रही है सेकी जांदे आ नाले नाले चलो रोटी रूटी उत्थे बन जाती है तो मतलब कि फिर जो धुआं रसोई च हो जाता है फिर कैमरे च कलैरिटी नहीं आती हैगी लगता है ना इन कैमरे नू भी फिर गल जी नहीं बनती इतने कुकिंग कर लगी हाँ तो हूँ असं बनाने लगे हाँ गोभी का अचार गोभी असं पिछों तोड़ के लेके आए हैं हूँ चंगी तरह धो लिया कट लिया सुखा लिया हूँ उन्होंने फ्राई करा ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ ਲਏ ਨੇ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਹੈ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਰਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ठंड इन्नी है सत्तों साहब नहीं उतार सारे ले तू भी धुप धुप कोई नहीं है तो लशकोर जी है सूरज दी तू क्यों लुकिया बैठे वाहिगुरु जी हम आप कैमरा बंद कर दें तेल चंगी तरह गर्म हो जाए हो तीन बार हो गई ना वाहिगुरु जी फिर आप डीप फ्राई कर रहे हैं हूँ असी जड़े लौंग इलायचियां ने भी कुटांगे तो जोड़ा जीरा है इनू भी असं तवा लैके आए हैं तवे पर भुन के कुटांगे ठीक है ना तो जी सौंफ है ये तो एवं कुट लाँगे असं बिना भुने सौंफ नूं तां जीरा भुन के कुटांगे लौंग इलायचियां भी एवं कुट लाँगे उन्ना फ्राई करा ना नमी जड़ी खत्म हो जाए फिर तो यह तेल फट जाता ना ऐसी कर
ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ चार तरीक अपना सारा गोभी का अचार तलिया गया हूँ ये मसाले ऐड करांगे तो जिवें तुहानू दस्सिया ये जीरा इहनू भुन लईए भुन के फिर इहनू कुटांगे लैड जा करांगे फिर इहदी बहुत सोहणी खुशबू हुंदी है फिर मसाला होर स्ट्रोंग जिहा हो जांदा है बन के ये ना जदों भुज जांदा इहदे पटाके जिहे पैण लग जांदे ने पता लग जांदा भुज गया एक चमच अचार मर जा हो जाना कौड़ा चंगा लगना तो दूर तो सुनते ने कि नहीं पटाके पर पै रहे ने करता बंद अजवाइन जिवें काम कर दी दीदी ने कुट रही है मैं ये पावे राई तो कर दी मैं कर दिया ये राई है ये अजवैन है ये सौंफ है सौंफ भी अपना दैड जी कर ली ये लौंग इलायची है ये मेथे नी ये हल्दी है ये मिर्च और ये नमक सानू ज्यादा लग रहा है मिर्च च ना साडी जे मिर्च मुल दी है जिवें है ना पर इहदे विच मिर्च घटे है तां करके असीं मिर्च ज्यादा पाई है लून घट पाया है कि तिखी घट है मिर्च कहने दा मतलब हुण आपां इहनू मिक्स करदे आ अपना जीरा पाउडर हूँ आप करिए अचार तो जी मसालिया का ही होंगे जिन्हें मसाले पावे ना उन्ना स्वाद हो जाता है जे नहीं मसाले पावे फिर तो सब्जी जी बन जूगी तो ही असं ये ग्रेवी नहीं पाई अदरक ते रही लसुन पै जांदा हुंदा सिरका ठंडे हो जाऊगा ना बस हो गया ठंडा इन्नी ठंड पै रही ये देखो ये ना हले दिस जे नहीं रहा हैगा जदों थोड़ा बैठ जी जाऊगा फिर इहने सोहणा निकले आउणा टिक जे जाणा इहने इक रात दे विच हुण बणाया शाम नूं सवेरे ही बस अपना रोटी नाल छको दाल ना लो तो कल्ली सब्जी वांग भी खाया जाऊगा ये साड़ी गोभी घर दी करके छेती बन गई
ਇਹ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋੜੀ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਵੇ ਗੋਭੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਮਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਲ ਜੇ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਰਕ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਪਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਕੜਛੀ ਇਹ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਡੱਬੇ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਸਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਚਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ ਬਣਿਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇਲ ਏ ਤੇਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ ਅਚਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ, ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਰਸੋਈ 'ਚ, ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਕੰਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।